बेटे आज का अपना टॉपिक है। कल लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था कि टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर है दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, दे अगर करंट सेम डायरेक्शन में दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो अभी तक हमने फोर्स की बात की थी, फर्स्ट टाइम अब टॉर्क की बात करेंगे। अच्छे से पढ़ना बेटे, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग क्वायल, करंट कैरिंग क्वायल, रिएक्टेंगुलर क्वायल बोल सकते हो, करंट कैरिंग रिएक्टेंगुलर क्वायल बोल सकते हो बेटे, क्वायल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। बड़े अच्छे से देख के चलना इस आर्टिकल को, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आगे चल के यही आर्टिकल आपके पास काम करेगा प्रिंसिपल का। ठीक है, अभी तक जो हमने पढ़ाया आपको, हमने पढ़ाया अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो देन दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब मैं कह रहा हूं अगर करंट कैरिंग क्वायल अगर हुई तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटे, टॉर्क लग। बड़े अच्छे से समझते हुए करना, समझ में नहीं आएगा तो कर ही नहीं पाओगे। देखो बेटे क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना दी मैंने जिसका नाम मैं लिख देता हूं पी क्यू आर एस, और इस कॉइल में ये करंट पास। समझते हुए चलना, अगर एक वर्ड भी समझ में नहीं आए तो मेरे को उसी टाइम बोलना। ये मैंने कहा एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैं एक अलग कलर ले लेता हूं। बेटे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही है, मैं प्रत्येक कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड शो किया है ताकि जब आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो एंगल बनाने में आपको कोई दिक्कत ना आए। रेड कलर में मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड शो किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसमें आगे, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो बेटे आपको नजर आ रहा है पी क्यू एक कंडक्टर है, क्यू आर एक कंडक्टर है, आर एस एक स्टेट कंडक्टर है, और एस पी एक कंडक्टर है। ये सारे चार कंडक्टर बना दिए, अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिएक्टेंगुलर कॉयल जो मैंने बोली इसकी लेंथ और ब्रेथ भी हम लिख लेते हैं। पी क्यू जो साइड है इसको हम एल बोल लेते हैं, ये लेंथ एल है, तो इस साइड को हम बोल लेते हैं जो ये वाली साइड ये 20 है ब्रेथ। पी क्यू और आर एस दोनों बराबर हैं, आपको क्लियर नजर आ रही है, एस पी और क्यू आर दोनों बराबर है जिसकी लेंथ हमने क्या लिखी है, बी लिखी है। ठीक है बेटे, अब मैं जो बोल रहा हूं वो चीज सुनना, मेरे बताने की कोशिश करना। एंगल हमेशा जो बनता है वो दो डायरेक्शन के बीच में बनता है एंगल हमेशा। तो यहां पर देखो ये आपके पास, मयंक अनम्यूट कर बेटे मयंक, मयंक यस बेटे देखो, मैंने इस करंट के बीच में, करंट की डायरेक्शन ये रही, ये एरो यहां लगा दिया, करंट और बी के बीच में एक एंगल बनाया थीटा, तो मेरे को ये बता क्या ये एंगल थीटा सही है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनेगा, बताओ। शाबाश, मैं इतने लिख लेता, बोलो बेटे कितना सर, 90 -50 आएगा। 180 -30 बिल्कुल सही बोला है, फोर्स ऑन कंडक्टर पी एस। देखो मैं अपनी वीडियो ऑन करता हूं, जिसको समझ नहीं आया मेरी वीडियो में देखना। देखो बेटे मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मेरी फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, बट करंट आप बोलोगे सर इधर है, ये कुछ ऐसे बन गई दिखाई नहीं दे रही, ऐसे मान लो। तो जो आपको यहां पर नजर आया थीटा,
वो बेटे दो डायरेक्शन के बीच में नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर नहीं है, क्योंकि एक सेकेंड, ये डायरेक्शन इधर नहीं है, एक डायरेक्शन तो ये होगी, ये डायरेक्शन नहीं है, दूसरी डायरेक्शन घूम के इधर आ रही है, पीछे की साइड जो पेन है ना, पेन वाली डायरेक्शन शो कर रही है, तो पीछे का इसका पूरा एंगल बनेगा, जो मैं दूसरे कलर से या इसी कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये वाला एंगल जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला एंगल। अब देखो बेटे दूसरी चीज मुझे क्या बतानी है आपको, मुझे आपको ये बताना है, ये तो चीज क्लियर है, इसके बाद आपने करना क्या है, क्योंकि फोर्स निकालना है, फोर्स आएगा किधर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको फोर्स बताता है, और उस रूल के अकॉर्डिंग ये जो फिंगर है ये करंट को शो करती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और ये फोर्स को शो करेगी। तो बेटे ये उंगली तो मैंने सही की है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और दूसरी फिंगर जो आपको नजर नहीं आ रही होगी, जो मेरी तरफ वो नीचे की साइड कर रखी है मैंने इधर, ठीक है, तो फोर्स कहां लगा बेटे, अपवर्ड लगेगा या नहीं लगेगा बताओ बेटे, इधर भी है ये, yes, अपवर्ड लगेगा ना, तो मैं फोर्स लगाता हूं अपवर्ड। और आपने क्या पढ़ा है अभी, आपने पढ़ा है अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, तो फोर्स ऑन कंडक्टर पी एस, जिसका नाम मैं एफ वन लिख लेता हूं, फोर्स एफ वन, फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटे आई एल, एल होती है लंबाई, यहां पर लंबाई का काम कौन कर रही है, पी एस, आई एल लेंथ जो बोलते हैं आई एल, बी कौन होता है मैग्नेटिक फील्ड, इनटू में होता है साइन थीटा, किस किस के बीच में करंट एलिमेंट, ये पूरा करंट एलिमेंट बन जाता है आई और बी के बीच में, जो आपने बोला सर ये बनेगा 180 माइनस थीटा, ठीक है, और इस पॉइंट पर जो फोर्स लगा वो तो फोर्स कहां लगा बेटे, ऊपर की तरफ लगा, जिसको बोलते हैं एफ, साइन 180 माइनस थीटा आपको पता होगा क्या बनता है बेटे, साइन थीटा होता है, आई पी एस का काम बी कर रही है, और ये बन गया साइन थीटा, सॉरी एक वर्ड लिखना भूल गया, आई बी इसके बीच में डाल देता हूं आई बी। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स ऑन कंडक्टर, हम उठाएंगे क्यू आर को पहले, और इस पे जो फोर्स लगा दैट इज एफ टू। बेटे अगर मैं अगेन इसको थीटा लिखता हूं तो मैं ये सही है गलत है, अब थीटा अब बताओ बेटे, सही है सर, अब सही है, अब करंट ऊपर जा रहा है, इधर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल सही है। बेटे देखो इसमें करंट डाउनवर्ड था, इसमें करंट अपवर्ड है, रूल अगेन लगाओगे तो फोर्स की डायरेक्शन कहां आएगी, डाउनवर्ड आएगी। आपको पता है रेक्टेंगुलर कॉइल वर्ड में बोल गया हूं, तो अगर पी एस की लंबाई बी है तो क्यू आर की लंबाई भी कौन होगी, बी, छोटा बी, तो ये फोर्स भी कितना आएगा, आई बी बी साइन थीटा। चिराग बेटे आवाज आई, चिराग, चिराग, यस सर, चिराग आपको याद है टॉर्क क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगता है इक्वल एंड अपोजिट तो वो उस बॉडी को रोटेट करवा देता है, याद है बेटे आपको, yes, sir. अच्छा तो मैं जो पूछ रहा हूं वो बताना, मेरे को जो मैंने पूछा है वो चीज बताना, जैसे देखो मेरी फोटो नहीं दिखाई दी, एक सेकंड रुको, अब देखो बेटे जो मैं चीज बोलना चाह रहा हूं सुनना, ये कंडक्टर है कैसे भी मान लेना, इधर से मैंने फोर्स लगाया इस साइड, इधर से फोर्स लगाया इस साइड, या उल्टा खींच रहा हूं या फोर्स लगा रहा हूं कैसे, क्या ये पेन रोटेट कर सकता है चिराग, नो सर, क्यों नहीं कर रहा बेटे रोटेट, पढ़ाया मैं अपोजिट फोर्स लग गई, इक्वल अपोजिट तो टॉर्क वाले में भी लगते हैं, बट इसको रोटेट करवा क्यों नहीं पा रहा, सेम एंगल पे लग रही है, लाइन ऑफ फोर्स सेम है, जो चीज सुननी थी लाइन ऑफ फोर्स, ये है लाइन ऑफ फोर्स, इधर ही मैं इस साइड फोर्स लगा रहा हूं और इसका भी मैं इधर लगा रहा हूं, लाइन ऑफ फोर्स सेम होने से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेगलेक्ट खत्म कर देंगे, यही फोर्स इस एंड पे मैं लगाता इधर और इस एंड पे लगाता मैं इधर, तो ये पेन को ऐसे घुमा देते, तो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, अगर चीज क्लियर हुई तो अब डायग्राम देखो दोबारा से, डायग्राम
और डायग्राम में देख के मुझे बताओ जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऑफ फोर्स सेम है या डिफरेंट है, बताओ बेटे। सेम है, लाइन ऑफ फोर्स यहां पर क्या है, सेम। तो लाइन ऑफ फोर्स सेम होने के कारण ऊपर और नीचे लाइन ऑफ फोर्स सेम है, इस वजह से आपका जो F1 फोर्स है F2 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या लिखोगे, F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। बेटे चीज क्लियर हुई या नहीं हुई है, प्रिया क्लियर है? यस सर। अच्छा अब मैं बात करूंगा बेटे यहां पर, अब सारे बच्चे जो समझदार बच्चे हैं जो भी बेटे रूल लगाने की कोशिश करो और मेरे को बताओ फोर्स कहाँ आएगा। करंट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उठाइए, जिसमें फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड, उसको इधर कीजिए राइट की तरफ, मिडल फिंगर को नीचे कीजिए और थंब बताइए मुझे किधर आएगा, किधर आएगा थंब, बोलो बेटे। फोर्स की डायरेक्शन जल्दी निकालो और मुझे बताओ। सिद्धार्थ किधर आया फोर्स, सिद्धार्थ जल्दी बोल फोर्स किधर आया पी क्यू कंडक्टर पे। मयंक किधर आया बेटे, मयंक नहीं पता लगा, बाहर की साइड आ रहा है सर, बाहर की साइड। जिस बच्चे को नहीं पता वो मेरी तरफ देख लेना, मेरी तरफ देख लेना। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, ये करंट को बता रही है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट, और थंब आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि लैपटॉप की तरफ होता तो दिखाई देता है, बाहर की तरफ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आपके पास आउटवर्ड, और यही फोर्स फिर मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो करंट है उसमें ऊपर, तो फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट इनवर्ड। ठीक है, तो इस फोर्स को मैं दिखाता हूं बेटे, परपेंडिकुलर आएगा या नहीं आएगा, जो आपको फोर्स नजर आया आउटवर्ड, आपने बोला आउटवर्ड, क्योंकि मैं यहां पर शो नहीं कर सकता क्योंकि एक डायरेक्शन ये होगी एक होगी, जेड डायरेक्शन की तरीके से दिखा रहा हूं। इस फोर्स का नाम लिख दिया मैंने F3। फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटे आई, इस साइड जो लेंथ है ये रही लेंथ इसकी, ये लिख रखी एल, आई एल बी, और साइन कितना है बेटे, आई और बी के बीच में एंगल कितना है 90, साइन 91। तो फोर्स आ गया बेटे आई एल बी, इक्वेशन होगी थर्ड। अब फोर्स निकालूंगा आर, और ये कौन सा कंडक्टर है बेटे, क्यू है ना, ये क्यू वर्ड को मैं यहां लिख देता हूं, आर क्यू, फोर्स ऑन कंडक्टर आर क्यू। बेटे कितना फोर्स लगा, एफ फोर नाम लिखूंगा, और ये अगेन कितना आ जाएगा, आई एल बी साइन 90, और ये बन गया आई एल बी, इक्वेशन नंबर 4। चार फोर्स आ गए, आप देख पा रहे हो F3 एंड F4, आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे रोटेट द वायर। देखो समझो, नहीं समझाया तो फिर बोलो मेरे को, दोबारा देखो डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको नजर आ रहा होगा बेटे ये एक F3 है और ये F4। अगर लाइन ऑफ फोर्स बनाने की कोशिश करोगे ये ऐसे आएगी, और इसकी बनाने की कोशिश करोगे ये आएगी। क्या बेटे दोनों लाइन ऑफ फोर्स सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, और सेम नहीं है इसी वजह से इस कॉइल को ये क्या करवा देंगे, रोटेट करवा देंगे, घुमा देंगे। अब क्योंकि टॉर्क आएगा रोटेट करवाएंगे तो हमें जो वैल्यू निकालनी होती है, हमें निकालनी होती है बेटे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स तो आ गया, इस F3 को एक मिनट के लिए सपोज करूंगा मैं इस एंड पे फोर्स लग रहा है, और इस F4 को मैं सपोज करूंगा इस एंड पे फोर्स लग रहा है। ये कंडक्टर आपका कौन सा है, पी एस, इसको नीचे बना के क्लियर दिखाता हूं।
ये कंडक्टर पी एस था, आई थिंक ये पी साइड है, ये एस साइड है, इसका नाम बी था, यहाँ पर फोर्स आपने इधर दिखा दिया एफ फोर, गलत शो कर दिया, दिखाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, डायग्राम में कंफ्यूजन हो जाएगी। देखो बेटे, ये एंगल बनाया मैंने थीटा, पहले समझना आप, ऊपर से देख के समझना मैंने क्या किया है। यहाँ इस डायग्राम को इसके साथ बना देता हूं, देखो ये वाली जो साइड थी पी क्यू, ये मैंने एज इट इज रखी है ऐसे, क्योंकि जब आप टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर आप यहाँ पर देख पाओगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगी वो ये वाली आएगी बेटे, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, इस साइड ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये आएगी बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये एंगल क्या बना, थीटा, अगर ये एंगल थीटा बना है, अरे ये थीटा एंगल था, मैंने क्या कर दिया, एक बार गड़बड़ कर दी बेटे, ये गलती की है, ध्यान दिया नहीं, ये थीटा एंगल था, इसको मैं क्यों लिख गया, ये एंगल थीटा था आपका, थीटा एंगल था, ये एंगल थीटा था। देखिए बेटे, समझ नहीं आया तो फिर बोलो मेरे को, ये डायग्राम मैंने कुछ ऐसा बना दिया बी, तो आपको दिखाई दे रहा है अगर ये बी साइड है तो इसको रिजोल्व करूंगा तो ये बन गई बी कोस थीटा और ये बन जाएगी बी साइन थीटा, और आपने ऊपर यहां लिख दिया है एफ थ्री एफ फोर आर इक्वल एंड अपोजिट सो दे रोटेट द क्वाइल, हेंस टॉर्क इज फॉर्म्ड। तो बेटे जो टॉर्क है अपने पास, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप बोर्ड पे देख के मुझे बता सकते हो इस डायग्राम से भी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगी, फोर्स क्या है, तो टॉर्क की वैल्यू आ गई बेटे, फोर्स तो अपने पास क्या था ऊपर, आई एल बी, ये रहा फोर्स एफ थ्री एफ फोर, कौन सा भी देख सकते हो, ये रहा आई एल बी, और इनटू में जल्दी से अनम्यूट करके बोलना एक बच्चा बेटे, क्या आएगा, अनम्यूट करके जल्दी बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगी, दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस कौन सी है, बी साइन थीटा है या बी कोस थीटा है, कौन सी है बताओ बेटे, क्योंकि एक फोर्स यहां पर एक्ट हुआ था, दूसरा फोर्स यहां पर एक्ट हुआ था, ठीक है, पूरी साइड एक ही है, इस पॉइंट पर बोलो चाहे इस पॉइंट पर बोल लो, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटे बी कोस थीटा, ये है बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही, एक इधर एक्ट हो रहा है, एक इधर एक्ट हो रहा है, दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज बी कोस थीटा। अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं बेटे, ये एल है, इसके साथ छोटी बी लिख दी और इनटू बी इनटू कोस थीटा, रिएक्टेंगल थी तो रिएक्टेंगल के अकॉर्डिंग लेंथ इनटू ब्रेथ बन जाएगा एरिया, तो आई ए बी कोस थीटा। बेटे नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक है तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया, टॉर्क की वैल्यू आ गई, टॉर्क बराबर आ गया आई ए बी कोस थीटा। अच्छा भाई, अब एक नई टर्म आई थिंक मैंने पीछे बताई है, नहीं बताई है, आई डॉट ए को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, पीछे बताई है मैग्नेटिक फील्ड में ही बताई है मैंने, अगर आई और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा एम, एम का नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम बी कोस थीटा। बेटे फिर से मुझे बताना, ये थीटा किस किस के बीच का था, वह थीटा बता सकते हो, थीटा किस किस के बीच में है, चिराग किस किस के बीच में थीटा, बेटे चिराग थीटा किसके बीच में है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। बेटे मेरे हिसाब से तेरे को दिखाई दे रही होगी एक वायर है, ये करंट वाली वायर, ये प्लेन बोल सकते हो, और इस पे ये डाल दिया मैंने 90 डिग्री का एंगल, समझ गए, प्लेन पे मैंने ये क्या डाल दिया, एक नॉर्मल डाल दिया, इसको एन से लिख देता हूँ, नॉर्मल बना दिया, एक नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल इस बी के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा, तो चिराग जल्दी से मुझे बताएगा थीटा प्लस अल्फा कितना होगा बेटे, 90। तेरे को पता है ना ये नॉर्मल है,
तेरे को पता लग गया ये नॉर्मल है, नॉर्मल और ये आपका प्लेन है, प्लेन और नॉर्मल के बीच में ना भिडिग्री का एंगल है। अगर मैं ये बोल दूं बेटे ये नॉर्मल अगर इस प्लेन के साथ हो, दोनों की डायरेक्शन एक जैसी हो, तो थीटा कितना बनेगा? उल्टा बोल देते एक मिनट, उल्टा बोलते हैं, गलत बोल गए। अगर हम ये बोलते हैं आपका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, सुनना भाई, आपका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा कितने डिग्री है? इफ प्लेन लाइंग, हाँ बोलो, इफ प्लेन जीरो डिग्री। अगर मैं बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ पैरेलल है, इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन, तो आपका आंसर थीटा जीरो, तो अल्फा बेटे 90। क्लियर है? क्योंकि कई बार नॉर्मल के साथ वैल्यू आ जाती है। उल्टा अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के नॉर्मल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के साथ नॉर्मल है, तो थीटा कितना बेटे 90 डिग्री और अल्फा कितना जीरो डिग्री। तो देखो मैं इसको करता हूं नीचे सॉल्व, क्या कहता है, क्या किया मैंने, ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद होना चाहिए। टॉर्क का जो फॉर्मूला आया वो आपके पास आया एमबी कोस थीटा, कोस थीटा। अगर मैं अल्फा प्लस थीटा नॉर्मल डालता हूं तो बन गया 90 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू सॉरी थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 90 माइनस अल्फा। इस 90 माइनस अल्फा को अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूं तो मेरे पास बना एमबी कोस 90 माइनस अल्फा। बेटे कोस 90 माइनस अल्फा बताओ भाई, साइन अल्फा। तो फॉर्मूला देखो साइन की फॉर्म में भी है और कोस की फॉर्म में है, कोस की फॉर्म में थीटा से रिप्रेजेंट किया है और साइन की फॉर्म में मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया है। अल्फा क्या चीज है? अल्फा आपका मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। थीटा क्या है? प्लेन के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल का नाम कौन है? थीटा है। अच्छा बेटे इसके बाद जो काम की चीज है वो सुनना, आगे हम यूज करेंगे उसको। बड़े पहला स्पेशल केस बोल सकते हो, स्पेशल केस क्या है? इफ फर्स्ट पॉइंट थीटा बराबर जीरो डिग्री, अगर थीटा जीरो है तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी बेटे? एम बी कोस जीरो, और कोस जीरो कितना होता है बेटे? वन। कोस जीरो होता है वन, तो आंसर आ गया एम बी। एम वर्ड अगर यूज नहीं करना चाहते तो आई लिख सकते हो, एम के मतलब था आई ए, इसका मतलब हो गया आई सॉरी 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 एम का मतलब आई इंटू ए इंटू में आ गया बी। अगर इसको भी आपने आगे रिजोल्व करना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू बी, तो ये वैल्यू आ गई आई, ये वैल्यू। अगर आपके पास टॉर थीटा की वैल्यू जीरो डिग्री है या अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि रेडियल फील्ड, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज कौन सा फील्ड है? रेडियल फील्ड। बेटे सुनना मेरी बात, रेडियल फील्ड। अगर आगे चल के मैं बोलूं कभी भी रेडियल फील्ड आ गया, तो रेडियल फील्ड का मतलब है आपको क्या मिल गया? टॉर्क कैसा मिला बेटे? मैक्सिमम। अगर हम बोलते हैं कि दे विल प्रोवाइड ए रेडियल फील्ड, तो रेडियल फील्ड का मतलब होगा कि वहां पर लगने वाला जो टॉर्क है वो मैक्सिमम लग रहा है, मैक्सिमम टॉर्क है। ठीक है, ये आगे चल के जिसका प्रिंसिपल है, जिसका नाम आप पढ़ते हो एमसीजी मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इसका, एमसीजी मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर जो 5 नंबर में भी आता है, तो वहां पर मैं इसको यूज करूंगा रेडियल फील्ड। ठीक है, रेडियल फील्ड का मतलब है थीटा जीरो, थीटा जीरो का मतलब ये हुआ करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है। दूसरा केस, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री तो टॉर्क की वैल्यू कितनी बनेगी? एम बी कोस 90, और कोस 90 आपको पता है जीरो होता है। ठीक है बेटे, ये आंसर आएगा। या आप यहाँ पर ये लिख सकते थे अल्फा की वैल्यू कितनी? जीरो। अल्फा जीरो लिखोगे तो टॉर्क किसके थ्रू करना है? एम बी
साइन जीरो के थे और वो भी जीरो। तो बेटे ये था आपका कंप्लीट टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, इसमें जो चीज नहीं आई वो मेरे से पूछिए, एक मिनट में इसको स्टॉप।